नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सतना सरपंचों द्वारा किए जा रहे धरना स्थल पहुँचे सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा व यादवेंद्र सिंह। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह बघेल के नेतृत्व में चल हर जिले सहित पूरे प्रदेश में आमरण अनशन। विधायक ने कहा, हमारी सरकार बनी तो सरपंचों की समस्याओं का करेगी निराकरण। सरपंच संघ की मुख्य मांगे, लाडली बहना योजना का लाभ सरपंचों को भी दिया जाए। 15वें वित्त आयोग की राशि 2022 व 23 का न मिलना। मनरेगा में जियो टैगिंग की व्यवस्था में सुधार। मनरेगा की मजदूरी में समय पर भुगतान न होना प्रमुख समस्याएं हैं। विगत कई दिनों से सिविल लाइन चौपाटी के बगल में कर रहे जिले के सरपंच अनशन। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का अभी तक नहीं हुआ क्रियान्वयन। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। सही बात है, जब दिन से बरसात में पूरा कारोबार बंद करके निरंतर पेपर के माध्यम से, फोन के माध्यम से पता चल रहा है कि आप लोग दस दिन से कोनो सुनवाई नहीं करेंगे। प्रजातंत्र में हमेशा आंदोलन होते रहे, मांगे मांगी जात रही और अगर कोई न कोई कलेक्टर हो, चाहे क्षेत्र का सांसद हो, विधायक हो, आज पूछा करते हैं। इतना बताया गया है भाजपा वाले कि उन्हें फुर्सतें नहीं है कि कहू को पीड़ा समझे, कहू को मिले, पूछे का कमी है, का हो रहा है, का अत्याचार हो रहा है कि कहा है, यह कोई कुछ है या नहीं। आ रहे तिवारी जी के भाषण में सुनत रहे, सिंह साहब बोले बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सही बात है कि हम सबके के पंचायतें राज से विधायक तक आदमी जाए, 78 में हम सरपंच बने, 90 तक रहे बहुदा ग्राम पंचायत में। तो पहले तो कुछ रहा नहीं, पे जनता पार्टी का शासन रहा। वो समय जितनी गांव की सड़कें रही हैं, एक एक कुर्ता कहीं रही आजादी के, और पहले तरह के गांवों में काम शुरू था। ऊपर के शीर्ष नेताओं से बात करिए और इन सरपंचों के 13 सूत्री मांगों के लिए आप बात रखिए, अपने वचन पत्र कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में शामिल किया जाए। पूरा सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश का सरपंच संघ कांग्रेस पार्टी के साथ होगा।